थोड़ी देर में शोभा यात्रा आरंभ होने वाली है। कृपा करके सभी लोग शोभा आगे अगरबत्ती रुकिए अपने आप को शुद्धिकरण कर लीजिए। तो जो भी आज की नाम भगवान हरे राम। मैं मुंबई से हूँ, पूनम गोयल। हम लोग कल ही श्रीनगर आए हैं घूमने के लिए। कल हम लोग घूमते घूमते उधर माता जी के मंदिर पहुँचे। वहाँ भी कल अष्टमी का हवन और प्रसाद वगैरह था। वहीं पे हम लोगों को यहाँ के इस्कॉन के पंडित जी मिले और फिर हम लोग कल शाम को यहाँ आए दर्शन करने के लिए। तब हमको आज के प्रोग्राम का पता चला और पंडित जी ने बोला आपको यहाँ पे आना ही। तो वो भगवान राम की कृपा है कि उन्होंने हमको श्रीनगर बुलाया और श्रीनगर में यहाँ मंदिर में बुलाया। तो हम लोग फिर सुबह यहाँ पे आए। अभी हम यहाँ पे इनके साथ में ही राम जी का जन्मदिन मनाएंगे, शोभा यात्रा में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कृपा है हमारे पर भगवान की कि उन्होंने इतनी दूर से हमको इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे बुलाया। मैं सुनील गोयल हूँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ। मैं इस्कॉन का लाइफ मेम्बर हूँ और भगवान की कृपा है कि कल आते ही हमको पंडित जी के दर्शन हुए। कल भी हम लोग मंदिर में आए थे और आज रामनवमी का फंक्शन है तो हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सब चारों तरफ मुसलमान हैं लेकिन फिर भी सबको ऐसा डर सा रहता है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग जितने लोगों से मिले सब ने हमको बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट किया और सब लोग भाईचारे से रहे, यही राम जी का संदेश है। क्या कुछ खास रहता है यहाँ पे? यही है कि भाई राम जी का जन्म है तो वो जन्म अच्छे से मनाया जाए और सबको एक साथ मिलजुल के सौहार्द के वातावरण में रहें, यही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ की। तो वो राम जी का संदेश है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक महामंत्र का जाप सबको करना चाहिए और इसी से इंसान की मुक्ति संभव है। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं यहीं का कश्मीर का रहने वाला, मेरा नाम पतित पावन चैतन्य दास है
हम ये 16 सालों से ये यात्रा शोभा यात्रा निकाल रहे हैं श्री राम जी की जन्माष्टमी की। ये हमारे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की कृपा है और हमारे गुरु महाराज की कृपा है, जिनकी कृपा से हम यहाँ पर ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आज के दिन क्या कुछ आज के दिन ये खास है कि राम जी का आज प्राकट्य दिवस है और राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और आनंद देने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले हैं। क्या कुछ खास मैसेज रहेगी? खास मैसेज हमारे यही है कि सबका भला करे भगवान, क्योंकि वही कर सकते हैं भगवान भला। हम चाहें तो एक दो आदमी का भी नहीं कर सकते, भगवान सारा सारी सृष्टि का कर सकते हैं। तो कैसा हमको हमेशा से जब से हमने शोभा यात्रा शुरू की है तो हमारा मोराल उन्होंने मुसलमान भाइयों ने हमेशा बढ़ाया है और हमारी यात्रा के साथ साथ चलते हैं और हम जब प्रसाद वितरण करते हैं सब लेते हैं प्रसाद। हरे कृष्णा। तो आज सबसे पहले आप सबको श्री रामनवमी महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है तो इसके लिए हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं इस हमारे इस्कॉन अटलेश्वर मंदिर श्रीनगर में। तो आज हमारी अभी थोड़ी देर में शोभा यात्रा निकलने वाली है जो पूरे पुराने शहर से होके हुए वापस फिर मंदिर आएगी। यहाँ से हम चंद्र मुल्ला हबागदल से निकल के सत्थू बरबरशाह होके फिर रिगल चौक लाल चौक होके फिर वापस मंदिर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर पूरा दिन भर हम भजन कीर्तन चलता रहेगा, महाआरती होगी और उस सबके लिए प्रसाद भंडारा है। तो आप सबका स्वागत है। तो आप कृपा करके सभी यहाँ पे इस भव्य शोभा यात्रा में भाग लें और भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आज के दिन क्या कुछ खास मैसेज रहेगी आपकी? खास मैसेज तो ये है कि स्वयं भगवान रामचंद्र जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, तो जिन्होंने जिनके समय में जो त्रेता युग था तो उस समय तो सारी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं होता था, सभी सुखी और अमन चैन से थे। आज हम यही जो भगवान रामचंद्र ने जो संदेश दिया है कि जो आपस में प्रेम करने का, जब हम आपस में प्रेम करते रहेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, ऊपर वाला ईश्वर जो है वो भी प्रसन्न होते हैं। तो हमारा यही संदेश है खासकर हमारे रियासत में जम्मू कश्मीर में कि हम यहाँ पे सभी अमन चैन से रहें, भाईचारा से रहें, प्रेम से रहें, जिससे क्या होगा कि जो भगवान है ईश्वर है अल्लाह है वो भी खुश है, उस पर भी खुश रहेंगे कि भाईचारा से ही अच्छा है और सबके लिए खुशहाली है। तो यही एक सबसे बड़ा आज इस बड़े इस शुभ अवसर रामनवमी के उत्सव पर ये बड़ा बहुत बड़ा संदेश है। आपका नाम? मिन्यू दास।